जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे फिशेस हार्ट एंड सर्कुलेशन, इवेल्सन ऑफ वर्टेब्रेट हार्ट या सिंगल सर्कुलेशन। इन फिश हार्ट पंपिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू गिल्स वेयर ऑक्सीजनेटेड एक्यूरेस ऑफ्टर देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सर्कुलेटेड टू होल बॉडी टिश्यू। क्या कह रहा है? इन फिशेस हार्ट पंप, यानी जो इस फिश का जो हार्ट है पंप कर रहा है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू गिल्स के पास, वेयर ऑक्सीजनेटेड एक्यूरेस ऑफ्टर देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सर्कुलेटेड टू होल बॉडी टिश्यू, यानी प्रत्येक टिश्यू यानी प्रत्येक कोशिकाओं के पास तक ऑक्सीजन ब्लड को सप्लाई कर रहा है। ये हमारा हार्ट है, फिश का एक छोटा सा डायग्राम है। ये हार्ट पंप कर रहा है CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित, यानी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को संबंधित कर रहा है गिल्स के पास। यहाँ से क्या श्वसन मार्ग से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहा, ऑक्सीजन फिश अंदर लेके पूरे बॉडी में फैला रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जहाँ पे हमारा ये गिल्स है, जहाँ पे गिल्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से पहुँचा रहा है हमारे कहाँ पे बॉडी टिश्यू के पास, यानी बॉडी टिश्यू के पास जहाँ पहुँचा रहा है यहाँ पे, वहाँ पे क्या रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है और वहीं से CO2 फिर ले जाके हार्ट के पास दे रहा, और हार्ट इसको फिर पंप कर रहा है गिल्स के पास, गिल्स से ये बाहर निकल जा रहा है। ए हार्ट पंपिंग डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सो सच हार्ट इज ए वेनस हार्ट एज हार्ट पंपिंग ब्लड टू गिल्स टू सच हार्ट इज कॉल्ड ब्रोंकियल। ठीक, सिंगल सर्कुलेट, ये हमारा क्या है, फिश का एक डायग्राम है। ये हमारा आप देख रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को धीरे धीरे ये माध्यम से डार्सल एरोटा में, मतलब डार्सल एरोटा के माध्यम से ये धीरे धीरे आता हुआ आर्टरी के माध्यम से धीरे धीरे ये कैपिलरी के पास जाके यहाँ पे समाप्त हो जा रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैंने रेड कलर से दर्शाया है दोस्तों, देखिएगा ये धीरे धीरे आ रहा है डॉर्सल एरोटा से फिर आर्टरी से फिर क्या है कैपिलरी के पास पे, यहीं पे लास्ट टिश्यू तक पहुंच रहा, और यहाँ से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ से कैरी कर रहा है, यहाँ ले जा रहा है साइनस वेंसेस से आरटीएम में, वेंट्रिकल के बाद से हार्ट के बीच जाके के ये क्या कर रहा है, ये पंप कर रहा है वेंट्रल एरोटा में, कहाँ कर रहा है वेंट्रल एरोटा में पंप कर रहा है, और ये पंपिंग की वजह से धीरे धीरे कहाँ गया, गिल्स के पास गया, और गिल्स के पास से CO2 हमारा बाहर निकल गया। यहाँ जो ये कैपिलरी जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, गैसेस एक्सचेंजेस हो रहे हैं जो हमारे यहाँ CO जो रेड से दर्शाया गया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहीं पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के हमारा जो हमारे ये बॉडी है टिश्यू है यहीं पे हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यहाँ से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ के माध्यम से फिर से गिल के माध्यम से बाहर जा, और फिर इधर से हमारा ऑक्सीजन ब्लड आ रहा है, यही एक इसका एक सिस्टम है सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम का। जय हिंद दोस्तों।